महाराज जी, ऐसा क्या करें कि जीवन के अंत समय में मैं किसी पे बोझ ना बनूं, किसी को मेरी सेवा ना करनी पड़े, मेरा मेरे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो, जीवन का अंतिम समय आए तब मेरे मन में सिर्फ आप और भगवान का स्मरण हो। जीवन को सौंप दो, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, अंदर का उद्देश्य परिवर्तन करना है। अपने को भगवत सहारे कर दो, हे प्रभु हमें तो कुछ पता नहीं था, आपने सुनवाया। जैसे विभीषण जी कह रहे हैं, मैं भूला था मानता हूं, आपने मुझे जगाया, हे नाथ आज से मैं अपना जीवन आपके हवाले करता हूं। अंदर की बात कह रहे हैं, अगर हृदय से रखोगे तो फिर वो किसी न किसी रूप में आपको संभालते रहेंगे। जब कहीं भक्त को कोई संकट होता है और कोई बचाने वाला नहीं होता, वो कोई ना कोई रूप रख के आ जाते हैं और सहयोग करते हैं, अंदर से और बाहर से भी। हमको एक बार हृदय से शरणागत होना है, एक बार हृदय से, सच्चे हृदय से, फिर वो संभाल लेते हैं। तो सच्चा हृदय कैसे बने ना, इसीलिए सत्संग सुनाया जा रहा है, इसीलिए नाम जप किया जाता है। एक बार वो आर्त भाव से जब शरणागत हो जाता है, वो चाहे जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, भगवान कहते हैं केवल हृदय से स्वीकार कर लिया कि प्रभु गलती हो गई, आपके सिवा कोई मुझे क्षमा करने वाला नहीं है, प्रभु आपके सिवा कोई मुझे अपना मानने वाला नहीं, नाथ मैं आपका भगवान संभाल लूं। संपूर्ण विश्व का द्रोह करने वाला पापी हो, अगर उसको भी ये ज्ञान हो जाए कि मेरे से गलती हो गई, प्रभु की शरण में। करोड़ों ब्रह्म ऋषियों का प्यारा भी हो, अगर उसे एक बात आ गई हृदय में कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं कल्याण कर सकता, मैं उसको भी नहीं त्यागूंगा। भगवान के वचन है, भगवान के। तो हम अगर हृदय से शरण हो जाए तो भगवान जैसे अर्जुन का रथ की बागडोर पकड़ ली, मेरे जीवन की बागडोर पकड़ लेंगे, पक्का निश्चित समझो। अपने लोग पग पग पर भगवान की दुलार और कृपा को देखा है, पग पग पर देखा है। एक बार ऐसे संकट में फंस गए, गंगा जी का किनारा और सर्दी में कोहरा होता है, और जब बाढ़ आकर पानी सकिल जाता है तो ऊपर पपड़ी पर जाती है, मतलब एकदम प्लेन जगह दिखाई देती है, और वहां था भारी दलदल। अगर हम दो चार कदम आगे बढ़ जाते तो दलदल में धस जाते। अब गंगा का किनारा, कोई वहां व्यक्ति नहीं, कोहरा पड़ रहा है, प्राण निकलने की संभावना थी, क्योंकि जब कभी कोई आता तब उधर निकालता, अब कोहरा सर्दी में और बेघाट में, हम तो ऐसे भ्रमण करते थे, अचानक आवाज आई, ए सावधान आगे दलदल है। तो उस समय मुझे लगा कि कोहरा है, कोई व्यक्ति देख रहा होगा। उसने कहा, तो एक छड़ी रखते थे, जे ही आगे चलकर ऐसे किया, वो पूरी छड़ी ऐसे दलदल, मलाई जैसा एकदम दलदल, और ऊपर पपड़ी थी, पीछे लौट पड़े। हमने काफी खोज की कि जो आवाज वो हर समय रहता है, किसी न किसी रूप में वो आपको संभालता रहेगा। पहले तो लगा किसी व्यक्ति का आवाज, लेकिन जब तो लगा इस समय प्रातःकालीन धुंध मची हुई है, यहां कौन, मतलब मेरे भगवान मेरे को प्रतिपल देख रहे। वही विश्वास आगे बढ़ाता है ना, बचपन से कदम कदम पे देखा है भगवान का दुलार, पर अंदर से भगवान के सिवा हमारा ना कोई था, ना है और ना रहेगा। उसी बात से ये बात मिट जाएगी कि हमें किसी के सहारे की जरूरत है। सच्ची मान ली, उनकी अभय भुजाएं सदैव अपने भक्त के लिए फड़कती रहती है। हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी में जो कुछ भी बल है वो मेरे प्रभु का बल है। वो कोई भी रूप लेकर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, हमें सुख प्रदान करेगा, ये विश्वास हो जाए पक्का। कई बार हमने बताया ये सत्संग में, बड़ा विश्वास का विषय है, कल भी यही चर्चा की थी कि माधोदास बाबा बहुत भजनानंदी महात्मा थे। अब प्रारब्ध भोग आया, संग्रहणी का रोग हो गया, उसमें बार बार सोच होती है, पतली सोच, बार बार दो चार दस सोच हो जाए तो आदमी का शरीर शिथिल हो जाता है। उनकी कई दिन से हो रही थी, अब ना भिक्षा जाना है, ना वहां कोई व्यक्ति आना, समुद्र के किनारे एकांत में हो। तो जब आंख खुली उनकी तो देखा एक 14 वर्ष की अवस्था, पीताम्बर माथे पे बांधे हुए, पीताम्बर पहने हुए, बाबा की लंगोटी सोच की धो धो के ऐसे फैला रहे, और सूखी लंगोटी बाबा को पहना के उनका बार बार मल साफ। तो सोचा मुझ अकिंचन के पास नवीन अवस्था कौन, तो अपनी जो भागवतिक दृष्टि से देखा जगन्नाथ जी, तो रो पड़े, कहा प्रभु प्रभु आप ऐसा क्यों किए।
आप में सामर्थ्य थी, यदि आपको दया आ रही थी तो प्रारब्ध मिटा देते हमारा, प्रारब्ध मिटा। आपने बोले नहीं बाबा, प्रारब्ध भोग लो, मैं तो स्वयं तुम्हारी सेवा। नहीं, आपने क्यों की? तो बोले बाबा, जब आपके हृदय में मेरे सिवा किसी का आश्रय नहीं है तो मैं ही तो करूंगा सेवा। भगवान के अनंत पार्षद हैं, भगवान ने किसी एक पार्षद को आज्ञा नहीं करी, स्वयं भगवान है। भगवान का जो सारथी दारुक है, विश्व ब्रह्मांड में जितनी अश्वकलाएं हैं सबका वो गुरु है। भगवान ने दारुक को नहीं आज्ञा की कि अर्जुन का रथ हाँकिए, स्वयं सरकार बैठ गए। भगवान का जो सारथी दारुक है ना, अरे भगवान का सारथी है विश्व की जितनी भी कलाएं अश्व संबंधी रथ हाँकने सब में वो गुरु है। भगवान जगत गुरु दारुक जी को नहीं कहा कि चलो युद्ध में अर्जुन का रथ हाँक दो, हम क्यों द्वारिकाधीश और भगवान, नहीं स्वयं भगवान। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा या किसी के हम आश्रित होंगे, भगवान। तो अगर हम सोचे कि आखिरी में हमारा क्या होगा तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमने प्रभु के सिवा अपना किसी को नहीं माना। इसीलिए विश्वास, हम ये विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं, किसी से याचना नहीं की है कभी। ये जीवन भर स्वभाव रहा है कि ऐसे, केवल अगर कोई रोटी की बात है तो आचार्यों ने आदेश किया इसलिए ऐसे, कभी अर्थ या वस्त्र या कोई व्यवस्था के लिए कभी ऐसे नहीं, कभी ऐसे। एक बार वो अंग्रेजी में बोलने वाला युवक भी तो कूदा था। हाँ, वो महोबा से जा रहे थे ला, तो उसमें हमको किसी ने, किसी भगत ने टिकट दे दी थी, वो छोटी वाली टिकट जो ऐसे, हाँ वो बैठा लिया था हमको अच्छे वाले में, अच्छे वाले क्या कहते हैं, हाँ। अब वो जब आप वो आए तो उनका टिकट तो हम बड़े गर्व से दिखा दिया। चलो उन्होंने कहा कहाँ जाना है, हमका बनारस जाना है। बोले तीन स्टेशन की टिकट है, वो कम निकल गए और ये जनरल की, और वो थोड़ा अभद्र बोलने लगे। तो एक आदमी ऐसे बैठा था, नीचे उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, पैसा दिया और इतनी बड़ी कागज वाली टिकट, वो हमको टिकट दी और कहा आप आराम से बैठ जाओ। उनको अरे कदम कदम पे भगवान का प्यार, इसीलिए वो कहते भगवद आश्रित रहो। हाँ, कायर भी नहीं बनना, कर्तव्य का पालन करना, भरोसा प्रभु का रखना है। समझ रहे ना?